सभी स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग के साथ। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला, और मैं आ गई हूँ आज एक फिर से नए ब्लॉग के साथ और नई सी जगह पे। और आज मैं हूँ नानक मत्ता के पास। नानक मत्ता के मंदिर में हम जा रहे हैं, नानक मत्ता मतलब हम जा रहे हैं, और मेरे साथ है मेरी दोस्त। आज हम फिर से घर से घूमने के लिए निकले, और अभी हम हैं इस टाइम इस जगह पे। आप देख सकते हैं यह है नानक मत्ता का डैम। ये देखिए, ये जगह मैं आज फर्स्ट टाइम मैं भी देख रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं नानक मत्ता नहीं आई थी। और मेरे साथ है हमारे जीजू, फिर से आज हमको घुमाने के लिए यहाँ पे लाए हैं। तो आप लोगों को भी दिखा देती हूँ थोड़ा बहुत नानक मत्ता के डैम का व्यू। ये देखिए इतना लंबा ये डैम है। ये तो मेरे को लग रहा है नैनीताल भीमताल से भी बड़ा डैम है ना, ना जीजू? उससे भी बड़ा लगना। तो ये देखिए, ये कर लिया आपने नानक मत्ता के डैम के दर्शन। अब जाते हैं सीधे नानक मत्ता। बहुत ही प्यारा सा डैम यहाँ पे, खूबसूरत सी जगह मेरे को देखने को मिलती, क्योंकि मैं आज, लेकिन गर्मी बहुत हो रही है यहाँ पे। और आप लोग ऐसे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए, और आगे को नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी मेरे ब्लॉग के माध्यम से। तो हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे नानक मत्ता के मेन मार्केट में। ये देखिए, अब करते हैं गुरुद्वारा के दर्शन। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ पे मुख्य द्वार पे। यहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं, क्या पता यहाँ पे अलाव है नहीं है, ये मुझे नहीं पता क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ यहाँ पे। यहाँ पे वीडियो फोटो सब बंद। बाबा जी, मैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं बागेश्वर से आई हूँ। कुछ यहाँ के रहस्य के बारे में आप बताना चाहेंगे? मेरा बहुत टाइम लग जाएगा, थोड़ा सा भी बता दो, थोड़ा सा मेरे सब्सक्राइबर को थोड़ा सा। अच्छा, ये जगह जो है जहाँ पहले सिद्धों की जगह थी, अच्छा, इस टाइम बाद में गुरु नानक आए जहाँ पे, तो बाद में सिद्धों से बोला कि आप भी यहाँ गुरु, हम भी गुरु हैं। तो सिद्ध बोले आप लोग जाओ जहाँ से, गुरु नानक से बोले, कहता हम तो रात रुकेंगे जहाँ पे, नहीं जा सकते, कल को फैसला होगा जहाँ का। तो सिद्धों ने क्या काम करा कि रात को यहाँ से छोटा गड्ढा खोद के उसके नीचे एक बच्चे को, 10 साल का बच्चा था, उसको नीचे बैठा दिया। तो बोला कि भाई कल को गुरु नानक आएंगे, तो बच्चे से पूछे ये जगह किसकी है, तो आप बोलना नीचे से कि ये सिद्धों की है। गुरु नानक ने कही कि मैं तीन आवाज़ें मारूंगा, अगर तीन आवाज़ें आपकी आएंगी तो जगह आपकी होगी, और नहीं तो उसके बाद में आवाज़ें मैं मारूंगा। उसके बाद में क्या हुआ कि गुरु नानक ने जो आवाज़ मारी अगले दिन, तो छोटा सा गड्ढा रखा था उन लोगों ने, सिद्धों ने, जब उन्होंने कही जगह किसकी, कहते सिद्धों की, फिर बोला जगह किसकी कहे सिद्धों की। जब तीसरी आवाज़ मारी तो गुरु नानक ने पैर रख दिया, आवाज़ बंद हो गई। गुरु नानक कहता मैं बोलूँगा तो आप सुनो। गुरु नानक ने बोला कि जगह किसकी है, कहता नानक मत्ता। फिर बोला कि नानक मत्ता, नानक मत्ता, नानक मत्ता। धरती बोलने लगी, आसमान भी बोलने लगा, पीपल की जगह सब बोलने लगी। सिद्धों ने कही आप जो बच्चा नीचे बैठा था इसको बाहर निकालो, इसको क्यों मारते हो, तो हमारी तुम्हारी जिद है। तो फिर क्या हुआ कि वो सिद्धों ने बच्चा, गुरु नानक ने जो जगह अंदर बनाई है वो अभी जगह बनी हुई है, दरबार साहब में जाओगे शीशा लगा है, गड्ढा भी बना हुआ है। फिर वो जगह जो थी भी वैसे बच्चा निकाला गया। उसके बाद में जो पीपल सिद्धों ने उड़ा दिया 5 फुट ऊँचा, गुरु नानक ने हाथ दे के पीपल को रोक लिया। उसके बाद में सिद्धों ने क्या कहा, इसको आग लगा दी, शक्ति से पीपल जल गया। यहाँ से सिद्धों ने एक केला भेजा, दूध वाला अपना गुरुद्वारा वो सामने है, वहाँ से जल मंगाया गया, दूध उसके ऊपर पत्तों के छिनका गया, वो पीपल आज भी हरा, 500 साल पुराना पीपल है, वो स्थान के बना हुआ आज पीपल वो खड़ा। आज आप पीपल के पत्ते देखोगे तो हर पीपल के पत्ते के ऊपर दूध का निशान है। मैं खालसा आज पीपल। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों को इतना पता नहीं था, हम लोग बागेश्वर से आए हैं, मैं यहाँ पे आज फर्स्ट टाइम आई हूँ। तो आपने इतनी जगह देखने आते हैं तो वहाँ भी जो है वो पीछे देख रहे थे बैरियर, इससे दो हिस्से आगे जाओगे, पहले वहाँ लिखा हुआ गुरु नानक अस्पताल, और अस्पताल बना, अस्पताल के थोड़ा सा आगे बढ़ो सामने सामने वहाँ लोग देखते हैं जहाँ मर्जी। और यहाँ पे एक ऐसा वो है बिना सर में कुछ कपड़ा रखे नहीं जाते हैं, माल वहाँ सारे मिलेंगे गेट पर, देखो खड़ा है
ड्यूटी पे बंदा वो हर आदमी को रुमाल देगा, सबको रुमाल मिलेगा। नंगे सिर नहीं जाना हुआ मतलब? नंगे सिर पे दरबार साहब के अंदर नहीं जाने देते हैं। अच्छा। गंदी फोटो नहीं बनाने देते जहाँ पे। आप फोटो वाले की फोटो बना सकते हो, तो यहाँ पे लोगों की मन्नतें भी पूरी होती होंगी तब तो। पीपल का पेड़ है, उसके नीचे मत्था टेको, सिद्धों की जगह, उसका घी के चढ़ा 24 घंटे जलते हैं, लोग घी चढ़ाते हैं लाके, जो भी अपना दान है गोरख में डालते हैं लोग, जो सेवा डाला प्रसाद तो ना प्रसाद प्रसाद, वो अंदर के गेट से जाओगे इस साइड पे, जिसके कोई शरीर पे रोग है उसका रोग खत्म हो जाता है, वो जल भर के ले जाते हैं यहाँ से, उस जल को अपने नहलाया जाता है, उसी से सारे दुख दूर हो जाते हैं। थैंक यू बाबा जी, आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम, सत सत नमन। आपने हमको इतनी जानकारी दी, आगे वीडियो के माध्यम से और लोग भी इसको देखेंगे। तो हम लोग जा रहे हैं मत्था टेकने के लिए अंदर। यहाँ पे ना सर पे ये वाला कपड़ा बांध के मत्था टेकते हैं जी। तो यह है अंदर का दृश्य, आप देख सकते हैं नानक मत्ता के अंदर का दृश्य। गाइस मैंने भी सर में ये बात लिया है और मत्था टेक के मैं बाहर को आ गई हूँ। आगे यहाँ पे तालाब है, खूबसूरत सा यहाँ पे व्यू आपको देखने को मिलेगा। गुरु नानक जी का ये बताने पर उनको कुछ दे भी नहीं सकते हम, तुम्हें बोला तुम क्या खाते हैं फिर? इनको इनकी ड्यूटी लगी होती है खिलाने वालों को। अच्छा। इसने मेरे स्मेल ने मेरे कितन किसको पहनाया था, स्मेल बहुत आ रही थी। इनकी बोल रही मैं से गुब्बारा ले, किसके लिए लूँ मैं? बच्चे तो बड़े हो गए मेरे। ले जाओ। हैं? बच्चे खेलेंगे बच्चे बड़े हैं, चलो बाय। हाँ ठीक है, गुब्बारा नहीं चाहिए, आप चाय पी लेना 20 रुपए की। ठीक है ठीक है, बाय।